आज मैं ये बताने आया हूं, तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। बीते तीन महीनों में तीन मंथली सर्वे हम लोगों ने किए हैं और हर सर्वे में बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं और समाजवादी पार्टी की सीटें यूपी में बढ़ रही हैं। बीजेपी के नेता जहां जाते थे, हरियाणा में, पंजाब में, वहां पर किसान उतरने नहीं देते थे हेलीकॉप्टर्स को, प्रोटेस्ट होते थे, तोड़फोड़ कर देते थे। मनोहर लाल खट्टर को कितनी सभाएं कैंसिल करनी पड़ी। राजनाथ सिंह एक बार चंडीगढ़ नहीं जा पाए, उनके हेलीपैड पर आके किसान बैठ गए थे। दो बड़े फैसले ले लिए, पेट्रोल डीजल पर दाम कम किए, किसानों का बिल वापस लिया। तो बीजेपी दिल जीतने की कोशिश कर रही है। नमस्कार दोस्तों, गुरु पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। लेकिन आज का दिन वाकई में किसानों का दिन कहा जाएगा। आज का दिन इतिहास में, हालांकि आज बहुत से बड़े बड़े लोगों का जन्मदिन है, लक्ष्मीबाई का, इंदिरा गांधी का, लेकिन आज का दिन किसान दिन के तौर पर इस देश को मनाना चाहिए। जिन किसानों ने बीते एक साल से लगातार सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा हुआ था, आज एक लाइन में बोलूँ, उस आंदोलन की बहुत बड़ी जीत हुई है। सरकार को ये समझ में आया कि किसानों का एक बड़ा तबका इन कृषि कानूनों के खिलाफ है और वो कृषि कानूनों को पास नहीं होने देगा। वरना एक साल तक लगातार आंदोलन चले, देश के कई कई शहरों में चले, देश के हजारों किसान अलग अलग शहरों के, अलग अलग सूबों के, अलग अलग राज्यों के एक साथ मंच पर आए और मिलकर कृषि कानूनों की आलोचना करें। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक साल के बाद इस बात का एहसास हुआ कि मिस फायर हो गया था। यह दूसरा ऐसा मौका है मोदी सरकार की इस रिजीम में जब उनको अपने कानूनों को वापस लेना पड़ा है। एक उन्होंने ऑर्डिनेंस वापस लिया था, आपको याद होगा, 2015 की बात है, भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर। तब भी मामला किसानों से जुड़ा हुआ था, ग्रामीणों से जुड़ा हुआ था, इस बार भी मामला किसानों से जुड़ा हुआ है। बिल वापस हो गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा किसानों से माफ़ी मांगी है। क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने भाषण में, अपने उद्बोधन में, पहले वो सुनिए। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए, सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है, ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। और पीएम की इस बयान के बाद एक बात और साफ होती है, आज 19 नवंबर का दिन है, अभी चीजें समाप्त नहीं हुई है। दरअसल ये कृषि कानूनों को लेकर आप ये कह सकते हैं कि जो कृषि एग्रीकल्चर सिस्टम में जो सुधारों की आवश्यकता है उस पर एक ब्रेक लग गया है। लेकिन बेहतर ये होता कि ये कानून जो बने वो किसानों के साथ परामर्श करके बने होते, क्योंकि बीजेपी की अपनी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल वो कैबिनेट का हिस्सा थी जब ये कानून पास हुए थे, और जब उसको समझ में आया कि गलत चीज़ पास हो गई है संसद से, तो उसको बीजेपी का साथ छोड़ना पड़ा। बीजेपी को समझ में आ गया कि इस 10, 11, 12 महीनों के अंतराल में उसको पास राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और अब क्योंकि पंजाब में और यूपी में दोनों जगह चुनाव हैं, पंजाब में तो एक बार मैं मान सकता हूँ कि बीजेपी का बहुत कुछ दांव पर नहीं है, बहुत छोटी और आप कह सकते हैं तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी पंजाब में। लेकिन यूपी में बीजेपी का सब कुछ दांव पर है, और वो पुरानी कहावत है ना कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर आता है, यूपी होकर आता है, वो भी चरितार्थ बैठता है।
2022 का चुनाव अगर यूपी में बीजेपी नहीं जीतती है तो 2024 में उसको मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ये बीजेपी की लीडरशिप को समझ में आने लगा था। और जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने पहले माफ़ी मांगी और फिर तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की बात की है, उससे इंडिकेशन मिलता है, संकेत मिलता है कि ग्राउंड से जो एबीपी न्यूज़ और सी वोटर सर्वे कर रहे थे उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। बीते 3 महीनों में 3 मंथली सर्वे हम लोगों ने किए हैं और हर सर्वे में बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं और समाजवादी पार्टी की सीटें यूपी में बढ़ रही हैं। कृषि कानूनों को लेकर नाराजगी थी, बीजेपी अपने हाथ पश्चिम बंगाल में जला चुकी है। हम सब ने देखा, जो पार्टी 200 सीटों की बात करती थी उसको 70-75-77 सीटें आई थी बंगाल में। तो बीजेपी को भी समझ में आने लगा कि कृषि कानूनों को लेकर अगर हम अपनी राय को नहीं बदलते हैं, अगर हम ऐसा नहीं एहसास कराते हैं कि किसान के साथ पार्टी खड़ी है, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये आंदोलन पश्चिमी यूपी और पंजाब में ही चल रहा है, जो बड़े चेहरे हैं वो इसी इलाके से आते हैं। महेंद्र सिंह टिकैत पश्चिमी यूपी से आते हैं, चड़ूनी रजवाल पंजाब से आते हैं। तो बीजेपी के लिए इन चुनावों में प्रचार करना इन इलाकों में जहां पर किसानों का बोलबाला है वो तक मुश्किल हो गया था। अब आगे क्या होगा? बीजेपी प्रचार कर पाएगी? बीजेपी के लोगों के अंदर के लिए जो गुस्सा था किसानों के मन में कि बीजेपी के नेता जहां जाते थे हरियाणा में पंजाब में, वहां पर किसान उतरने नहीं देते थे हेलीकॉप्टर्स को, प्रोटेस्ट होते थे, तोड़फोड़ कर देते थे। मनोहर लाल खट्टर को कितनी सभाएं कैंसिल करनी पड़ी, राजनाथ सिंह एक बार चंडीगढ़ नहीं जा पाए, उनके हेलीपैड पे आके किसान बैठ गए थे। तो ये चीज़ें अब नहीं होंगी जाहिर तौर पर, क्योंकि बीजेपी ने कानूनों को, विवादित कानूनों को वापस ले लिया है। तो बीजेपी चुनावी रेस में तो आ गई है, प्रचार कर पाएगी, इलाकों में घूम पाएगी, पर क्या बीजेपी चुनाव जीत पाएगी, खासकर पंजाब में, मुझे शक है। अमरिंदर सिंह खुलकर बीजेपी के साथ खड़े हो सकते हैं आने वाले वक्त में, जिस तरीके से कानून वापस लिया, अमरिंदर सिंह को जिस तरीके से बीजेपी के लोगों ने सपोर्ट भी किया है पर्दे के पीछे से, जब से उनको कांग्रेस से हटाया गया, निकाला गया, या वो हटे हैं, जैसे भी आप देखना चाहें, अमरिंदर बीजेपी के साथ आ सकते हैं। ये एक संभावित टाइप हो सकता है पंजाब में, पर बीजेपी को फायदा होगा, वो सरकार बनाने के स्तर तक जाएगी, इस पर मुझे आज की तारीख में बहुत बड़ा शक है। यूपी की बात करें, यूपी में बीजेपी को ज़मीनी एहसास हो रहा था, जैसा कि मैंने जिक्र किया अपने सर्वे का, सी वोटर के सर्वे का, जो कि साफ तौर पर दिखा रहा था कि बीजेपी की लोकप्रियता पर असर पड़ रहा है, बीजेपी की लोकप्रियता कम होती जा रही है। और इन परिस्थितियों में ये बहुत ज़रूर हो जाता है कि कहीं ना कहीं पर ये चीज़ें सामने निकल कर ज़रूर आएँ कि बीजेपी चीज़ों को ठीक करे। तो ये ठीक करने की ओर उठाया गया कदम है, पर बीजेपी को इससे चुनावी फ़ायदा होगा ये अभी कहना जल्दबाजी है, क्योंकि लोग नहीं भूले हैं, यूपी की जनता नहीं भूली है। आप ठीक समझे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लखीमपुर खीरी कांड की। आपको याद होगा किसानों के मोर्चे के दौरान, किसानों के आंदोलन के दौरान बीजेपी के नेता हैं, गृह राज्य मंत्री हैं टेनी, उनके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, ऐसा आरोप लगा। सब ने तस्वीरें देखी, चलती जीप जो है वो किसानों को रौनते हुए आगे बढ़ रही है। क्या वो किसान माफ़ कर देंगे? क्या वो पत्रकार जिसकी जान गई, क्या वो बीजेपी को माफ़ कर देगी? सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, बीते एक साल से 26 नवंबर को किसानों ने आंदोलन शुरू किया था, हम फिर अगले हफ्ते 26 नवंबर को पहुंच रहे हैं, एक साल हो गया है, इस एक साल में सैकड़ों किसानों की जाने गई हैं, क्या वो किसान जिनकी जाने गई, उनके परिजन आज की इस बयान के बाद कि हम बिलों को वापस ले रहे हैं, क्या वो माफ़ कर देंगे? क्या वो किसान लौटकर वापस आ जाएंगे? क्या उनकी जान बहाल हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो परिवारों पर डिपेंड करता है कि प्रधानमंत्री की इस अपील को वो किस तरीके से स्वीकारते हैं। तीसरी बात, इस सब के दौरान बीजेपी के नेताओं की तरफ से और कद्दावर नेताओं की तरफ से किसानों को कभी गुंडा कहा गया, कभी टेररिस्ट कहा गया, और वो बयान चले हैं, ट्वीट्स चले हैं, बाइट आई है, बड़े बड़े नेताओं ने कहा है। क्या किसान और किसान के परिवार इस बात को भूल जाएंगे और माफ़ कर देंगे और बीजेपी के लिए वोट करेंगे? चौथी बात, प्रधानमंत्री ने कहा है कि संसद के आने वाले सत्र में, जो शीतकालीन सत्र शुरू होगा 29 तारीख से, उसमें इन बिल को हम रिपील कर लेंगे, हम इसको वापस कर लेंगे। किसानों ने कहा है कि जब तक रिपील नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन जारी है।
लेकिन अभी जब से ये फैसला आया है सरकार का, और तब से हमने जितने किसान नेताओं से बात की है, बड़े बड़े किसान नेताओं ने ये बताया, मुझको पर्सनली भी और मेरे रिपोर्टर्स को भी जो आप लगातार एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं, कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा ये आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि एक आंदोलन की बड़ी शर्त थी कि एमएसपी को निर्धारित किया जाए। ऐसे में जब ये बात प्रधानमंत्री ने नहीं कही है, तो जब कानून आएगा रिपील वाला संसद के शीतकालीन सत्र में, क्या सरकार वो कानून लेकर आएगी? क्या बीजेपी किसानों का भरोसा जीतने के लिए, क्योंकि किसानों के मन से बीजेपी उतर गई है पश्चिमी यूपी में खासतौर पर, तो क्या बीजेपी उसको लेकर आएगी और भरोसा जीतेगी? अगर बीजेपी एमएसपी पर कानून लाने की बात करती है तब मुझे लगता है कि चीज़ें पलट सकती हैं, बीजेपी मुकाबले में आ सकती है। बीजेपी की स्थिति इस पूरे फैसले को अगर आप पॉलिटिकली देखें और क्रिटिकल एनालिसिस करें, आलोचनात्मक इसका अध्ययन करें, तो समझ में आता है कि बीजेपी को समझ में आ रहा था कि जमीन में स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। पश्चिम में किसान नाराज हैं, पूर्व में बीजेपी की ताकत थे पिछले चुनाव में ओम प्रकाश राजभर, याद रखिएगा बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे, वो राजभर बीजेपी को छोड़ चुके हैं, वो अखिलेश के साथ उनकी रथ यात्रा में दिखाई दे रहे हैं, वो बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो बीजेपी के पास पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा जातीय नेता नहीं है जिसके जरिए बीजेपी उन छोटी छोटी जातियों को बांध सके जो 17 और 19 में कर लिया था। अनुप्रिया पटेल और उनकी पार्टी जरूर है, पर उस पार्टी में भी खंडन हो चुका है, दो हिस्से हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है कि राजनीतिक गोटियों को वो बिल्कुल ठीक तरीके से खेले, तभी बीजेपी चुनाव जीत सकती है। तो ये जो तमाम मैंने 4-5 बातें कही हैं, जब तक इस पर काम नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी, तब तक ये मान के चलना कि बीजेपी की एकतरफा हवा है, 17 वाली और 14 वाली या 19 वाली, वो जल्दबाजी हो जाएगी। पर ये समय रहते कदम उठाया गया है, इसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये फैसला किया गया, अभी चुनाव 3 महीने दूर है, और इस 3 महीनों में बीजेपी के लोगों के अंदर, बीजेपी के काडर के पास वो क्षमता है कि वो इन चुनावों का नतीजा अपने हक में ले आए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी एक तो सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी के साथ संघ का सपोर्ट होता है, जिसके कार्यकर्ता, जिसके प्रचारक जगह जगह जाकर काम कर सकते हैं। 2 बड़े फैसले ले लिए हैं, पेट्रोल डीजल पे दाम कम किए, किसानों का बिल वापस लिया। तो बीजेपी दिल जीतने की कोशिश कर रही है, और दिल के सहारे वो अपना चुनाव जीत सके, पूरी मंशा उस चीज़ पर है, इसको हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पर आखिर में ये ज़रूर कहूँगा कि एक फैसला हुआ, देर आए दुरुस्त आए, आप इस तरह के बयान लगातार सुने होंगे आज सुबह से, देर से आए, काफ़ी देर से आए, लेकिन अभी दुरुस्त करने में बहुत कुछ करना बाकी है बीजेपी को। थैंक यू। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।